नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल चड्ढा और आप सबका स्वागत है आपके चैनल मिस्टिक पंडित पे। और आज मैं बात करने जा रहा हूं उन लोगों के बारे में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, और किसी प्रकार से भी मेरे किसी भी मित्र जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी ये बताई हुई दो रेमेडीज जरूर करना। आपकी कोई भी हर्डल होंगी वो धीरे धीरे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ये इंडस्ट्री को समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है आप मैन्युफैक्चरिंग साइट पे हों, सेल परचेज में हों, या आप इनकी एक्सेसरी या स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हों। तो इस इंडस्ट्री के हिसाब से हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्लैनेट हमें देखना होता है दोस्तों शुक्र, वीनस। किस तरह प्लेस है आपकी कुंडली में, फोर्थ एंड सेवन्थ के साथ कितना अच्छा रिलेशन उसने बना रखा है। अगर ये बहुत अच्छा प्लेस है तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में होंगे और बहुत ही ऊंचाइयों पे होंगे। सेकेंडली हमें देखना है मरकरी, बुध। बुध होता है दोस्तों हमारी वाणी का कारक, हमारे सेल परचेज रेवेन्यू जनरेट या लोगों की नीड को कैसे जनरेट अच्छे से करना है। मतलब अगर आप किसी भी को कुछ बेचेंगे, अगर उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे उसको डील करेंगे। तो इसीलिए मरकरी का प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा दोस्तों है शनि। शनि महाराज इस रोल में बहुत अच्छा प्ले करते हैं क्योंकि लोहे के कारक हैं। सेकेंडली मासेस और इंजीनियरिंग के कारक भी हैं। अगर कुछ भी गुड्स इंजीनियर्ड होके कार मैन्युफैक्चरिंग तक जाती है, उसके बाद वो मासेस के पास नहीं जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये तीनों प्लैनेट्स को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कुंडली के अंदर। और फोर्थ हाउस और सेवन्थ हाउस को भी साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना होता है। अगर इनका कॉम्बिनेशन किसी प्रकार बहुत अच्छा बैठा है तो ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया करते हैं। और किसी प्रकार भी अगर उनको हर्डल आ रही है तो ये दो रेमेडी हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आप कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ आपकी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएगी। हर एक कुंडली से वैसे तो अलग अलग रेमेडीज होती हैं फ्रेंड्स, बट जो मैं ये रेमेडीज बताता हूँ वह जनरल है, इसका बहुत फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो ये दो रेमेडीज इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी है किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार और शनिवार वाले दिन जाएं, उनके जो राइट लेग के चरण से जो भी संदूर लगा हुआ है वो अपने हाथ से, ये जो रिंग फिंगर है इससे अपने माथे पे लगाना है दोस्तों, और ये आप हर मंगलवार और हर शनिवार कीजिए। दूसरी रेमेडी, थर्सडे वाले दिन केले आपने किसी भी गाय, कोई भी कलर की गाय हो, उसको आपने खिलाना है, अपने हाथों से खिलाएं। ये दो रेमेडी आपके लिए इतनी कारगर साबित होगी इस इंडस्ट्री के अंदर कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आ रही थी कि आपके काम नहीं हो रहे हैं, आप एक कस्टमर से अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे थे, या आप अपने डीलर्स के साथ मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे थे, तो ये डेफिनेटली ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों यही लेता हूँ मैं पूर्ण विराम, और अगर आपको मेरी कोई भी रेमेडी से कोई फायदा हो रहा है तो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।